हमारे YouTube चैनल हैदर टेक्निकल व्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आया हूँ हीरो होंडा की जो बाइक की जो बैटरी होती है वहाँ पे, और मैं आपको आज दिखाऊंगा कि कैसे बैटरी बनती है और उसमें मटेरियल क्या क्या डलता है वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। तो मेरी वीडियो में बने रहे दोस्तों, और इस वीडियो में बड़ी मेहनत लगती है बनाने में, तो कोई भी पार्ट जो है स्किप ना करें। और प्रॉपर मैं अभी आपको रॉ मटेरियल दिखाता हूँ, पहले स्टार्टिंग जो करता हूँ रॉ मटेरियल से करता हूँ, ठीक है। तो मेरी वीडियो में बने रहे। रॉ मटेरियल है और ये हमारे जो इंजीनियर साहब है जो ये बैटरी को बनाते हैं, तो मैं इनसे पूछूंगा कि इसमें क्या क्या मटेरियल लगता है और क्या क्या चीज़ है, इनका नाम क्या है। तो ये क्या सर, ये बॉक्स है इसका? जी ये बॉक्स है। अच्छा, और ये इनके बारे में बताइए क्या क्या चीज़ है। ये प्लेटें होती है जी। ये कौन सी प्लेट है, नेगेटिव पॉजिटिव है? ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव है। ये नेगेटिव प्लेट है। और ये व्हाइट कलर की क्या रखी है, सेपरेटर? सेपरेटर है जी। अच्छा, ये सेपरेटर है जी। ये वायर है। अच्छा, जो शोल्डर है, माइनस प्लस की वायर होती है वो है ये वायर। और ये ऊपर का टापा हो गया, जो ऊपर का ये होता है टॉप होता है जो इसका लगता है, ये इसका केमिकल है यहाँ पे। अच्छा, ये इसका ये केमिकल जो इसके अंदर डलता है। तो इन्होंने कुछ बैटरी बनाई है, मैं जो आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये पूरी बैटरी सील्ड हो चुकी है, तो और वो बैटरी में अभी सील्ड होना बाकी है, और वो चार्जिंग पे लगी हुई है। और अभी देख रहे आप यहाँ पे एसिड जो है ना इसके अंदर फिल हो रहा है से। तो चलते हैं, हम बनती है। तो मैं उस से बोलूंगा कि आप काम शुरू करें और हमें दिखाएं कि कैसे ये बैटरी तैयार होती है। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव कितनी डलती है? इसमें डलती है जी टोटल प्लेट 24 प्लेट। एक सेल में कितनी होगी? चार प्लेट। चार प्लेट जी, दो नेगेटिव दो पॉजिटिव। अच्छा, दो नेगेटिव दो पॉजिटिव जी। अभी मेरे रिक्वेस्ट पे इन्होंने एक बैटरी बनानी शुरू करी है, वरना ये कम से कम 50 बैटरी स्टार्ट करते हैं बनाने में। लेकिन मैं काफ़ी दूर से आया हूँ, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, एक बैटरी हम सैंपल तौर पर आपको बना के दिखा देते हैं। क्योंकि जो बैटरी इन्होंने बनाती है वो कल बना दी, अभी काम जो शुरू होगा उसमें बहुत टाइम लगेगा, और 50 से 100 भी बैटरी बना देते हैं ये, तो अभी मेरे पास टाइम भी नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा चलो एक बैटरी ही बना के इनसे आपको वीडियो बना के दिखा देते हैं। कमेंट आ रहे थे मेरे पास, इसलिए मैंने स्पेशल यहाँ पर मुझे आना पड़ा। और अगर किसी भाई को बैटरी चाहिए तो यहाँ से ले भी सकता है, ऑर्डर पे बनवा सकता है अपने। देखिए ये सेल पूरे बैटरी में फिट हो गए, ये आयरन से अब सोल्डिंग की जाएगी इसकी। प्लस का वायर कनेक्ट हो गया, ये माइनस का हो गया इसमें। बस केमिकल बना दो। वही तो कर इनकी ये पॉजिटिव है। ज़्यादा फील हो रहा है बैटरी में।
हम इसमें 10 किलो बना रहे हैं एक बैटरी का। ये होती है हमारी अपोक्सी, ये अपोक्सी केमिकल है, अपोक्सी नाम है इस केमिकल का। और इसमें थोड़ा ही हार्डनर मिलाया जाएगा, और ये हार्डनर मिलाया जा रहा है, इसके अंदर मिक्स किया जा रहा है। एक किलो में 100 ग्राम हार्डनर मिलता है, 1 किलो में 100 ग्राम 10% डलता है, 10% एक बैटरी में मतलब। जी अब तो हमें बैटरी बना रहा था, बड़ी मेहरबानी है इनकी हमारे चैनल के ऊपर भी, क्योंकि हमारे कहने पे इन्होंने बैटरी एक बैटरी तैयार करी, जो जिस कारीगर को 100 बैटरी बनाने की आदत हो और वो एक बैटरी बनाने में तो अजीब सा लगेगा उनको, पर हमारे रिक्वेस्ट पे उन्होंने बैटरी बनानी शुरू की। कुछ मिलाने का दे बैठे, देख लो इसमें हल्का हल्का धुआं भी उठ रहा है, आप देख सकते हो। इसको मिक्स किया जा रहा है, दो केमिकल इसके अंदर डले हैं। ये कलर तो मैं अलग नहीं हुआ, पर कलर सेम ही है, पर मिक्स हो गया पूरी तरह से, पानी की तरह रहेगा। हमें भरने हैं इनको, जो इनके अंदर साथ करने हैं, ये साथ जो खाने कॉलम दिए उनको भरने होते हैं इस केमिकल से। ये किस चीज का काम करता है, करंट का काम करता है या शील्ड करने का काम करता है? शील्ड करने का काम। अच्छा, ये जो केमिकल है एलपी वगैरह बोलते हैं, हाँ एलपी टाइप होता है, ये शील्ड करने का काम करता है, इसको जो है बिल्कुल शील्ड कर देगा। चार घंटे के अंदर ये शील्ड हो जाएगी। ये फिक्स कर दिया है और सील्ड होने के बाद आपको ऐसे दिखेगी बिल्कुल। ये कलर अलग है लेकिन चीज एक ही है दोनों, ये देखिए ब्लैक भी सील्ड होने के बाद ऐसे हो जाएगी। और इसमें फिर उसके बाद जो काम होता है वो एसिड का काम होता है जैसे आप देख रहे हो, और एसिड का काम होने के बाद कुछ 4-5 घंटे रेस्ट करने के बाद जो हीट हो जाती है ना बैटरी, तो उसको ठंडी करने के बाद फिर इसको ऐसे चार्जिंग पे लगाया जाता है। ये सब चार्जिंग पे लगी हुई है बैटरी, ये चार्जर इसका है। तो दोस्तों मैंने पूरा आपको बैटरी का जो प्रोसीजर था हीरो होंडा का खा दिया। अब इसके बाद ये कैप लगते हैं चार्जिंग होने के बाद बैटरी को, ये इसलिए लगाया जाता है कि बाहर तेजाब ना निकले या केमिकल ना निकले हमारा। ड्राई बैटरी बन रही है, ड्राई के लिए, जो अगर निकल गया तो वो वहीं अंदर ही एडजस्ट हो जाएगा। देखिए पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी बैटरी, ये आपने पूरा प्रोसीजर इसका बैटरी का देख लिया। अच्छा, अगर कोई यहाँ पे बैटरी लेना चाहे तो कितने पीस ले सकता है? कितने भी ले सकते हैं, एक भी ले सकता है, 10 भी 100 भी 1000। अच्छा, एक पीस कितने का पड़ेगा? ये पड़ेगा जी 200 रुपये का। 200 रुपये का एक पीस पड़ेगा ये। अच्छा, और मैक्सिमम कितना क्वांटिटी होनी चाहिए? 50 कम से कम 50।
हाँ अच्छा ले लो या दो नंबर ले लो, अगर यहाँ चाहे तो एक बैटरी ले लो दो बैटरी ले लो कोई नहीं। पर पीस यानी 200 रुपए का पीस है, लेकिन क्वांटिटी ज्यादा होगी तो उसका कुछ गारंटी भी 200 से कम तो होने वाले। अच्छा तो उसमें गारंटी मिल जाएगी। अच्छा एक पीस में कोई गारंटी नहीं होगी। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया, बाकी इनका जो नंबर है मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा और उसमें इसके डिस्क्रिप्शन में, और आप उस पर इनसे कॉन्टैक्ट कर लेना और जितनी भी आपको पीस चाहिए इनसे आप बात कर लेना। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।